हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। आज के इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क की जो वैकेंसीज आउट हुई हैं उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर से आपका क्लास टू है, जिसके अंदर हम जीके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, या जनरल अवेयरनेस आप बोल सकते हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे। तो इम्पोर्टेंट हो जाती है वीडियो, आपको यहाँ से पता लगेगा कि जनरल अवेयरनेस या जीके आपको में किस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं और क्या क्या पढ़ना है। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ये है आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2019 में आया था। लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर किया था, और इस वीडियो में हम जीके और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन किस किस कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। तो फटाफट से उस क्वेश्चंस की ओर आते हैं। तो 41 से यहाँ पर जीके या जीए जो थी वो स्टार्ट थी। तो 41 क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच ट्री इज द सिंबल ऑफ चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ का इनमें से कौन सा ट्री है जो चंडीगढ़ का सिंबल है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है 41 क्वेश्चन से कि आपको चंडीगढ़ जीके भी पढ़नी पड़ेगी। चंडीगढ़ जीके आपको पढ़नी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले पेपर में एक ही क्वेश्चन था, तो आगे जाके शायद दो तीन क्वेश्चन इस पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चंडीगढ़ जीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो विच ट्री इज द सिंबल ऑफ चंडीगढ़, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन था ब्रिक्स समिट से। तो 2019 में ब्रिक्स समिट की जो थीम थी वो क्या थी, ये पूछी गई थी कि व्हाट मार्क द थीम ऑफ द 2019 ब्रिक्स समिट। तो इसका सही आंसर था आपके पास ऑफ 42 का ऑप्शन नंबर ए, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनिशिएटिव फ्यूचर। अब 2023 में जो ब्रिक्स समिट है हुआ है उसकी थीम क्या है, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे कि तो 2023 का जो ब्रिक्स समिट है, या फिर आपको एक तो थीम्स आपको पता होनी चाहिए हर समिट की, जितने भी समिट होते हैं या फिर और कोई जो समिट है उनकी थीम्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो थीम से क्वेश्चन यहाँ पर है, एक तो चंडीगढ़ जी के हो गया और थीम से क्वेश्चन है, या फिर आप इसे करंट अफेयर भी बोल सकते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन है हमारे पास, कायाकल्प अवार्ड इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्टर फॉर। तो कायाकल्प अवार्ड जो है इज एन इनिशिएटिव है ऑफ मिनिस्टर फॉर। तो इसका सही आंसर था आपके पास ऑप्शन नंबर 43 का डी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये भी आपके पास जो है करंट अफेयर से आप इसे बोल सकते हैं, और अवार्ड से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड पब्लिश्ड एनुअल रिपोर्ट मैंडेटरी एज पर आरटीए एक्ट 2005 फ्रॉम द ईयर 2005 टू 2018। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज पब्लिश एन एनुअल रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स बनाती है। तो इसका सही आंसर था छत्तीसगढ़। तो ये भी आपके पास करंट अफेयर से है क्वेश्चन, ठीक है, और इसको जनरल अवेयरनेस भी बोल सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन था, द कॉन्स्टिट्यूशन 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 पर्टेन टू। तो यहाँ पर अमेंडमेंट पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो पॉलिटी आपको पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी से क्वेश्चन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन 100th अमेंडमेंट जो हुई थी 2015 पर्टेन टू, किससे पर्टेन करता है, तो 45 का जो आंसर था वो था एक्वायरिंग एंड ट्रांसफर टेरिटरीज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही था, तो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे हमारे पास फेमस पर्सनैलिटीज से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जो फेमस पर्सनैलिटी हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको पढ़ना है, क्रिस्टीनिया कोच एंड जेसिका मैरी हैव मेड देयर मार्क्स एज। तो ये किससे रिलेट करते हैं, ये दोनों तो क्या थे, एस्ट्रोनॉट्स थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था, तो क्रिस्टीना कोच एंड जेसिका मेयर हैव मेड देयर मार्क्स एज एस्ट्रोनॉट्स। तो पर फेमस पर्सनैलिटी से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिट विद द गेजेटर ऑफ द टेरिटरीज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी एंड द नेटिव स्टेट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। तो ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, तो ये भी फेमस पर्सनैलिटी से आप बोल सकते हैं कि फॉलोइंग इज द क्रेडिट विद द गेजेटर ऑफ टेरिटरीज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नेटिव स्टेट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड थ्रॉन्टन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम हैज बीन नेम्ड डाइनी ब्लाइंड एंड विंगलेस बैटल आफ्टर। तो नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम हैज रिसेंटली नेम्ड, रिसेंटली की बात हुई है, तो ये भी करंट अफेयर से है क्वेश्चन। तो करंट अफेयर से काफी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो 48 का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटा थनबर्ग। अगला है मैच द मैच लिस्ट फेमस पर्सन है और उनकी बुक्स। तो बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो पर फेमस जो है पर्सन और उनकी बुक्स, तो इसका सही आंसर क्या था, 49th का ए हो जाएगा, यानी कि मार्गरेट एटवर्ड की जो बुक है, मार्गरेट एटवर्ड की है द टेस्टमैन, और सलमान रुशीद की जो बुक है सेकंड का वो हो जाएगा आपके पास
ये वाला ऑप्शन बी। डेफिशिएंसी एंड विटामिन से क्वेश्चंस है, मतलब साइंस से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइंस से क्वेश्चन है आपको फोलेट डेफिशिएंसी और नायासिन डेफिशिएंसी आपको बताना है कि किसकी वजह से होती है। तो फोलेट डेफिशिएंसी कौन से विटामिन की वजह से होती है और नायासिन डेफिशिएंसी जो है वो कौन से किस विटामिन की कमी से होती है। तो 50th का यहाँ पर सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका जो फोलेट डेफिशिएंसी है वो विटामिन B9 और नायासिन डेफिशिएंसी जो है वो विटामिन B3 की कमी से होती है। हिस्टोरिक गुरुद्वारा पत्थर साहिब इज सिचुएटेड नियर, तो टेम्पल्स वगैरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो किसके पास है ये हिस्टोरिक गुरुद्वारा जो है पत्थर साहिब जो है इज सिचुएटेड नियर। तो 51 का जो सही आंसर था वो था आपके पास ऑप्शन नंबर बी ले। अगला है हमारे पास रिसेंटली इन अ रेन ट्रंकेटेड मैच कर्नाटका वाज डिक्लेयर्ड विनर ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी फॉलोइंग, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन है, करंट अफेयर से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी VJD मेथड। अगला है हमारे पास इन कलेबोरेशन विद हुम डिड सर एडवर्ड ल्यूटियंस डिजाइन विद द बिल्डिंग ऑन रायसेना हिल्स, तो ये भी आपका हिस्ट्री से मान लीजिए क्वेश्चन, ये हिस्ट्री से है। रायसेना हिल्स जो है वो बनाई थी किसने, सर एडवर्ड ल्यूटियंस ने डिजाइन की थी किसके साथ मिलके, कोलैबोरेशन किसके साथ किया था। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी सर हर्बर्ट बेकर से। व्हेन डिड नेगोशिएशन फॉर रिलीजियन कंप्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप फॉर्मली बिगिन, तो व्हेन डिड द नेगोशिएशंस फॉर द रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप फॉर्मली बिगिन, यानी कि RCEP कौन सी चीज कब लॉन्च हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन है तो आपको ये पता होनी चाहिए कौन सी स्कीम जो थी वो कब लॉन्च की गई है, या कौन सी मतलब आपको डेट्स पता होनी चाहिए किस स्कीम को कब लॉन्च किया गया है। तो 54 का जो है सही आंसर था आपके पास ऑप्शन नंबर सी 2012। हु कंसीव्ड एंड लॉन्च्ड रुपे, वही है फिर से रुपे किसने लॉन्च किया, या फिर आप जो है हु कंसीव्ड एंड लॉन्च्ड रुपे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर सी NPCI। When was Chandigarh Capitol Complex declared by UNESCO as a World Heritage? तो चंडीगढ़ जी के से फिर से, यानी कि चंडीगढ़ जी के आपको पढ़नी पड़ेगी। When was Chandigarh's Capitol Complex declared by UNESCO as a World Heritage? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी जुलाई 2016। अगले में आते हैं, Who recently banned the practice of using red chilies and chili bombs to drive अवे एलिफेंट, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, रिसेंटली वर्ड यहाँ पर दिया गया है मतलब करंट अफेयर से यहाँ पर पूछा गया था। हु रिसेंटली बैन द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग रेड चिलीज एंड चिली बॉम्ब्स टू ड्राइव अवे एलिफेंट्स, तो 57 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड हाई कोर्ट, तो इस पे बैन हो गया था। द 2019 राउंड स्क्वायर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वेयर सोफिया द फर्स्ट रोबोट टू रिसीव द सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री टॉक्ड अबाउट द क्लाइमेट चेंज वॉज हेल्ड एट, तो ये भी करंट अफेयर से है क्वेश्चन। तो 58 का सही आंसर था आपके पास ऑप्शन नंबर बी इंदौर। अगला हमारे पास अरेंज करना था आपके पास रघुराम राजन, ये जो RBI गवर्नर्स थे, तो आपको गवर्नर्स के बारे में पता होना चाहिए इनकी, मतलब यहाँ पर RBI गवर्नर पूछा गया, आगे आपसे प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं या फिर आपके पास प्राइम मिनिस्टर्स पूछे जा सकते हैं, तो एक क्रम में आपको पता होना चाहिए। तो 59th का यहाँ पर सही आंसर था आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रघुराम राजन, देन था उर्जित पटेल, देन था आपके पास शक्तिकांत दास। अगला था हमारे पास फिर से रिसेंटली इन न्यूज, ये भी करंट अफेयर से था, List 1 and List 2, ठीक है इसको छोड़ देते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्हेन वाज द इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे रिसेंटली, तो डेज से इंपॉर्टेंट जो डेज होते हैं वहां से आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है, करंट अफेयर भी बोल सकते हैं आप इसे, लेकिन इंपॉर्टेंट डेज की कैटेगरी में इसे रखेंगे। व्हेन वाज द इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे रिसेंटली सेलिब्रेटेड, तो 61 का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी September 21। विच कंट्री रिसेंटली प्रोक्लेम्ड टू हैव इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी, फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो 62 का सही आंसर था यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी UAE। नेम द फ्रीडम फाइटर एसोसिएटेड विद दुधाइक, नेम द फ्रीडम फाइटर फेमस पर्सनालिटी से हम क्वेश्चन रख सकते हैं इसको, तो फ्रीडम फाइटर जो था कौन से फ्रीडम फाइटर से जो एसोसिएटेड करते हैं किससे, दुधाइक से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 63 का आपके पास ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय थे। हाउ मैनी स्टेट्स इंडिया हैव विधान परिषद, पॉलिटी से क्वेश्चन है।
इंडिया है विधान परिषद, तो 64 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। 6, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्प्रेड ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेशनल पार्क से क्वेश्चन है आपके पास, तो आपको इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क है वो पता होनी चाहिए कौन से स्टेट में है। यहाँ पर तो कुछ डीप ज्यादा ही पूछा गया कि इसका एरिया पूछ लिया गया कि कितने किलोमीटर स्क्वायर पे है, तो 565 का था ऑप्शन नंबर सी, 500 स्क्वायर किलोमीटर। अगला है हमारे पास, व्हेन वाज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स विच एम्स एट कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स एस्टेब्लिश्ड। तो फिर से वही चीज़ है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब बनी है, तो आपको उनके ईयर याद होनी चाहिए कौन सी स्कीम कब लॉन्च हुई है। तो 66 का यहाँ पर सही आंसर था आपके पास ऑप्शन नंबर बी, 1989। आगे, ONGC विदेश लिमिटेड हैज रिसेंटली मेड एन ऑयल फाइंड इन सरगाइप एलागोस बेसिन लोकेटेड इन। तो आपसे फिर से करंट अफेयर से क्वेश्चन है ये, तो 67 का जो सही आंसर था वो था ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, अंडर द न्यू रूल ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन काउंसिल टू बीइंग डिक्लेयर्ड एलिजिबल, द कंसेंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन अ फीमेल ट्रांसजेंडर एथलीट हैज टू बी लेस देन। करंट अफेयर इसको माना जा सकता है, इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो 68 का जो सही आंसर था वो था आपके पास ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास फिर से मैच मैच द फॉलोइंग से काफी क्वेश्चंस हैं, एक तरफ बैंक दे रखे हैं, दूसरे उसमें फाउंडेशन दे रखी है, तो कौन सी, फिर से वही चीज है, कौन सी स्कीम कब लॉन्च हुई, कौन सी किस चीज की फाउंडेशन कब रखी गई, तो आपको ईयर पता होने चाहिए। स्टैटिक जीके आप इसे बोल सकते हैं, आप स्टैटिक जीके की कैटेगरी में इसे रख सकते हैं, जितने भी मैच द फॉलोइंग है। तो पंजाब एंड सिंध बैंक 69 का तो था, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। तो पंजाब एंड सिंध बैंक बना था 1908 में, और पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इसका हो जाएगा 1894 में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे फिर से मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, आपके पास पर्सन है और फील्ड टू रिकॉनी कौन सी फील्ड से वो रिलेट करती है, तो इसको भी आप स्टैटिक जीके की कैटेगरी में रख सकते हैं या फेमस पर्सनैलिटी की कैटेगरी में रख सकते हैं। विच पॉइंट इज नाउ नोन एज बात्रा टॉप, ये भी स्टैटिक जीके है आपके पास, कौन सा पॉइंट है जिसे बत्रा टॉप कहा जाता है। तो 71 का यहाँ पर सही आंसर था आपके पास ऑप्शन नंबर सी, 0.4875 को बत्रा टॉप कहा जाता है। विच स्टेट है डिसाइडेड टू क्लोज द स्टेरलाइट कॉपर प्लांट, तो कौन सी स्टेट है जिसने क्लोज किया किसको, स्टेरलाइट कॉपर प्लांट को, करंट अफेयर से क्वेश्चन था। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। वेन वॉज नेशनल कंजर्वेशन टाइगर अथॉरिटी नोटिफाइड, तो नेशनल कंजर्वेशन टाइगर अथॉरिटी कब बनाई गई थी, नोटिफाइड की गई थी, तो 73 का था ऑप्शन नंबर डी, 2006। स्टैटिक जी के आप इसे बोल सकते हैं। विच आर्टिकल डील्स विद द टैक्स लिव्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, पॉलिटी से क्वेश्चन है, आर्टिकल पूछा गया है, तो 74 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 270। वुहान द वेन्यू ऑफ द फर्स्ट इनफॉर्मल समिट बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर इंडिया एंड द प्रेजिडेंट ऑफ चाइना इज द कैपिटल ऑफ चाइनीज प्रोविंस, कैपिटल से क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है ये, तो 75 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, हुबई। विच इज रिकॉन्ड रिकॉन्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन एयर रॉक रिलीफ इन द वर्ल्ड, स्टैटिक जीके फिर से, स्टैटिक जीके, देखिए मैं साइड में लिख रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो विच इज रिकॉर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन एयर रॉक रिलीफ इन द वर्ल्ड, तो 76 का जो सही आंसर था वो था आपके पास ऑप्शन नंबर ए, अर्जुनाज पिनेंस। द सोलर पैनल ऑफ एट गांधी सोलर पार्क एट UN हेडक्वार्टर आर पावर टू जनरेट अप टू, तो सोलर पैनल एट गांधी सोलर पार्क एट UN हेडक्वार्टर आर पावर टू जनरेट अप टू, 77 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, 50 किलोवाट। अगला क्वेश्चन है, हुज 100th बर्थडे डिड गूगल सेलिब्रेट विद डूडल इन 2019, करंट अफेयर आप पढ़ोगे तो ये स्टैटिक जीके में आ जाएगा। तो 100th बर्थडे डिड गूगल सेलिब्रेट विद डूडल इन 2019, तो 78 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, विक्रम साराभाई था। अरेंज आपको करना है अमेजोन फ्लिपकार्ट स्नैपडील इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन देयर फाउंडेशन, कब रखी गई थी, फिर से वही चीज है, कौन पहले आया था कौन बाद में आया, तो 79 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले अमेजोन आया, देन फ्लिपकार्ट आया, देन स्नैपडील आया। अगला क्वेश्चन है, अरेंज, फिर से अरेंज आ गया, स्टैटिक जी के आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। अरेंज द फॉलोइंग्स है, राजा राजा वन, राजेंद्र वन, हिस्ट्री से है ये क्वेश्चन, तो हिस्ट्री भी आपको थोड़ी बहुत तो पढ़नी पड़ेगी, तो 80th का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, राजा राजा वन, राजेंद्र वन, फिर राजधी राजा,
अगला है हमारे पास आई, अच्छा 81 से तो आपके पास कंप्यूटर स्टार्ट हो गया था। तो मेनली अगर देखा जाए, ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूं तो किन किन चीजों पे आपको ध्यान देना है, अगर मेनली अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो आपको करंट अफेयर पे ध्यान देना है, देन आपको स्टैटिक जीके पे ध्यान देना है क्योंकि स्टैटिक जीके के अंदर ही काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टैटिक जीके हो गया, देन उसके बाद आप बोल सकते हैं कि आपको फेमस पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है। फेमस पर्सनैलिटी हो गया, इसके बाद अगर हम बात करें फेमस पर्सनैलिटी के बाद तो आप ध्यान दे सकते हैं किस पे, पॉलिटी पे आप ध्यान दे सकते हैं। पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी आपको थोड़ी बहुत, थीम्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। थीम तो वैसे करंट अफेयर के अंदर ही आ जाती है लेकिन फिर भी अलग से पढ़ लीजिएगा। थीम हो गया, और किसकी फाउंडेशन कब रखी गई है वो, मतलब कौन सी स्कीम कब निकाली गई वो, ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो पूछे गए हैं। चंडीगढ़ जीके मेन है, यहाँ से क्वेश्चन दो पूछे गए हैं तो अब हो सकता है इस बार भी पूछे जाएं। चंडीगढ़ जीके हो गया, ये आपको पढ़नी पड़ेगी चंडीगढ़ जीके। और अगर हम देखें पॉलिटी हो गया आपके पास, करंट अफेयर्स हो गए, हाँ आपको बुक्स, फेमस बुक्स जो हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। फेमस बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, कौन सी बुक कब लॉन्च हुई या कौन सी बुक किससे रिलेटेड है, ठीक है ना, कौन सी स्कीम कब निकालेगी वो, ईयर्स वगैरह आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। और फेमस पर्सनैलिटी हमने लिख लिया, आरबीआई गवर्नर, ये भी स्ट्रेटेजी के अंदर आ जाता है। नेशनल पार्क्स हो गए, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जीके बहुत वास्ट है, सारा नहीं पढ़ना है, सिर्फ उतना पढ़ना है जो पेपर के लायक है। और पेपर के लायक क्या है, पेपर के लायक है आपका करंट अफेयर्स, आपकी स्टैटिक जीके, आपकी चंडीगढ़ जीके आप बोल सकते हैं, और आपकी फेमस पर्सनालिटीज आप पढ़ सकते हैं कि कौन सी पर्सनालिटी किससे रिलेटेड है, ठीक है ना। मेन तो आपके पास वैसे तो यही रहेगा क्योंकि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर के अंदर ही फेमस पर्सनैलिटीज पूछ लेगा, स्टैटिक जीके के अंदर पूछ लेगा, तो ये पढ़नी पड़ेंगी आपको सबकी सभी, ठीक है ना। बुक्स आप पढ़ सकते हैं, पॉलिटी आप थोड़ी बहुत पढ़ लीजिएगा, और अगर टाइम टाइम मिले तो हिस्ट्री को पढ़ लीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी है, हमने लास्ट पेपर से ये देखा कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं। तो मेन तो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके आपके पास रहने वाली है, इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो मे बी आपका जो है वो जीके, जी जनरल अवेयरनेस जो है वो निकल जाएगी। देखिए 20 क्वेश्चंस आने हैं इस पेपर में, 20 क्वेश्चंस आएंगे। आप ये मान लीजिए कि 20 में से अगर हम लगा के चले कि 9 से 10 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर के रहेंगे, ठीक है, 9 से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के रहेंगे। और आप 6 से 7 क्वेश्चन आप मान लीजिए कि 6 से 7 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से रहेंगे, ये करंट अफेयर हो गया, ये स्टैटिक जीके हो गया, 9 और 6 15 होंगे, 5 क्वेश्चन आगे, 5 क्वेश्चन जो रह गए वो आपका हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह से, इसको छोड़ भी देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो करंट अफेयर स्टैटिक जीके आपको करनी है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, एग्जाम में कुछ हेल्प मिल रही होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली नई दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।